तो यार आज किस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने लैपटॉप की VRAM को इंक्रीज़, और किन के लिए होने वाले हैं ये वीडियो, जिनके लैपटॉप के BIOS में VRAM को इंक्रीज़ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक पेन ड्राइव, कितना भी कम GB का हो सकता है वो 500 MB का भी हो सकता है। और आपको एक रूफ़ुस एप्लीकेशन चाहिए, और एक चाहिए होगी ज़िप फाइल। और ज़िप फाइल और रूफ़ुस की जो लिंक है वो मैंने पिंड कमेंट में दे रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं क्या करने की बात कर रहा हूं। अभी जो मेरा CPU है वो है हमारा 5500U विद रेडियन ग्राफिक्स, लेकिन जो इसकी VRAM है, इसकी जो मेमोरी है इंटीग्रेटेड वाली, वो 512 MB है, और जिसको हमको इंक्रीज़ करके 4 GB करना है। और वो लेंगे हम RAM से, जो कि अभी हमारी 16 GB है, और 4 GB हम अपनी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में एलोकेट कर देंगे। तो चलते हैं रूफ़ुस एप्लीकेशन में और दिखाता हूँ कि हमें क्या करना है आगे। तो यार ये है रूफ़ुस एप्लीकेशन, इसका यूज़ लेंगे हम। और मेरे पास जो पेन ड्राइव है वो 8 GB की है, और आपको यहाँ से फ्री डॉ सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, वैसे कुछ ऑप्शन है भी नहीं हमारे पास ज़्यादा। और हमको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है ओके करके। तो हमारा हो चुका है यहाँ पे, इसको क्लोज़ करेंगे, एक बार ओपन करेंगे कि इसने क्या बना के दिया है। इसने हमको ये चीज़ें दी हैं। तो यार अब जिस ज़िप फाइल की मैं बात कर रहा था उसको हमको यहाँ पे लेकर के आना है। तो यार ये रही हमारी ज़िप फाइल, यूनिवर्सल AMD फॉर्म ब्राउज़र। तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या है, जो भी होगा हमको यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। और ये जो ज़िप फाइल है इसको चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो, मैं इसको यहीं पड़ा रहने देता हूँ। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जिस भी ब्रांड का लैपटॉप है आपको उसके लिए सर्च करना पड़ेगा, जो भी ब्रांड है आपका, और BIOS एंटर की। मेरा जो है Acer का है, तो उसके लिए होती है F2, या फिर जो है आप सेटिंग्स में से भी जा सकते हो। आपको विंडोज़ अपडेट में आना है, ये वैसे विंडोज़ 11 का है, थोड़ा सा लगेगा विंडोज़ 10 का। तो किधर होगा, हाँ रिकवरी में एडवांस, आपको रिस्टार्ट कर देना है, रिस्टार्ट नाउ, एडवांस स्टार्टअप पे जाके आपको रिस्टार्ट कर देना है। तो यार हम आ चुके हैं अपने एडवांस स्टार्टअप में, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा UEFI फर्मवेयर सेटिंग्स, आपको रिस्टार्ट कर देना है। तो यार वो करने के बाद हम अपने ओरिजिनल BIOS में एंटर हो जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ सेटिंग्स जो हैं ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पे बूट मेन्यू है, तो इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। अगर आपके में ये होगा तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और आपको करना पड़ेगा, जो कि हमारा सिक्योर बूट होता है, वो आपको जो है डिसेबल करना पड़ेगा। यहाँ से इनेबल है, इसको हम डिसेबल कर देंगे। वैसे हम यहाँ से बूट कर सकते हैं, पर हम एग्ज़िट जाएंगे एक बारी। तो यहाँ से हमको सेव एंड शट डाउन करना पड़ेगा। तो अभी हम एक बारी पावर बटन दबाएंगे, तो जैसे ही बैकलिट ऑन होगी कीबोर्ड की, आपको F12 प्रेस करना है, क्योंकि F12 हमारी बूट मेन्यू का जो है की है, इसलिए हम F12 प्रेस कर रहे हैं। आपके जो है लैपटॉप के हिसाब से वो कुछ भी हो सकती है, बस आपको बूट मेन्यू में आना है, जहाँ पे हम विंडोज़ और पेन ड्राइव में बूट करने के ऑप्शन आते हैं, बस ये वही है, सिंपल है। तो अभी हम इसमें बूट करेंगे पेन ड्राइव में। तो यार यहाँ पे हमारा जो है कस्टम BIOS ओपन हो जाएगा, और आपको क्या करना होगा कि जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है डिवाइस मैनेजर, यहाँ पे दो डिवाइस मैनेजर है, आपको फर्स्ट वाले में जाना है, और यहाँ से आपको सेकंड में जाना है CBS में, और यहाँ आपको जाना है NB10 में। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगी GFX कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपको दिखेगा IGPU कॉन्फ़िगरेशन, आपको इसको करना है स्पेसिफाइड। और यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे आने के बाद यार आपको दिख ही जाएगा, यहाँ से तो आप खुद ही कर लोगे, शायद आपको समझ आ ही गया होगा कि अब आपको क्या करना है। तो यहाँ से मैंने बोला था कि 4 GB हम देंगे अपने इंटीग्रेटेड को, तो यहाँ पे 4 GB हम इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम ESC दबाते हुए बैक करेंगे, और Y और N का जो है ये आपको पता ही होगा, यहाँ पे हमको Y करना है सेव करने के लिए एज ए येस, तो Y हम प्रेस करेंगे बैक, और यहाँ पे हम करेंगे इसको कंटिन्यू, कंटिन्यू पे एंटर, और एक बारी फिर से हमको एंटर करना है। अभी जो हमारा सिस्टम दोबारा से बूट होगा अपने आप। तो यार टास्क मैनेजर में एक बारी जाकर देखते हैं हम कि क्या हमने जो सेटिंग्स अप्लाई करी थी वो अप्लाई हुई है कि नहीं। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वो अप्लाई हो चुकी है, यहाँ पे हमारे 12 GB यूज़ेबल रैम है, और 4 GB हमारी है इंटीग्रेटेड की VRAM मेमोरी। तो जो हमने किया था वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा, जो कि अभी हमने किया है यानी कि VRAM इंक्रीज़, उसके अलावा आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है वहाँ से,
मैंने दो बार ही अपनी जो है डिस्प्ले, मतलब पता नहीं क्या उसमें दिक्कत थी, मेरे को दो बार ही सर्विस सेंटर जाना पड़ा वहाँ से छेड़ करने के बाद में, और जो है मेरी डिस्प्ले में आउटपुट आ ही नहीं रहा था। मैंने एक्सटर्नल लगा के देखा HDMI में, तब भी आउटपुट नहीं आ रहा था। तो पता नहीं क्या फर्मवेयर जो इसका क्रैश हुआ था या क्या, पता नहीं हुआ क्या था इसमें। तो उन्होंने कुछ क्रैशेस इसमें, उनके जो भी पार्ट जो भी होते हैं उनके ट्रबल शूटर्स, वो उन्होंने रन करे तब जाकर ये ऑन हुआ, मतलब इसमें डिस्प्ले में आउटपुट आई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको कुछ भी वहाँ से नहीं छेड़ना है सिवाय इस ऑप्शन के, अगर आपको सर्विस सेंटर नहीं विज़िट करना है तो, ठीक है। तो यार बस ये था आज की इस वीडियो में, और अगर हेल्पफुल हुई हो वीडियो तो आपको लाइक करना है और मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो। 5500U, 3500U और 1650 के बेंचमार्क्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और मिलता हूँ किसी अगले ही ट्यूटोरियल वीडियो में या बेंचमार्क वीडियो में। तब तक के लिए बाय।